गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस प्लस वन क्लास ऑफ मैथमेटिक्स आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इन द लास्ट क्लास आई हैव टोल्ड यू अबाउट ए बी सी डी मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो सारे फॉर्मूले हैं वो अच्छे से लर्न कर लेना आप। और ये जो क्लास है हमारी ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट क्लास है, इससे पहले जो सारे टॉपिक है वो हमारे कवर हो चुके हैं, उनको एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। और हमारी एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 भी कवर अप हो चुकी है, ठीक है। और आपने एक्सरसाइज जो है, जो थर्ड एक्सरसाइज है, वो आपने अब ट्राई करके आना है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्कशन। सबसे पहले हम जो ग्राफ करेंगे वो वाई इज इक्वल टू साइन एक्स का करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब आपको सारे टेबल्स क्लियर हैं, सारी वैल्यूज़ क्लियर हैं इसमें और क्वाड्रेंट्स भी क्लियर हैं, तो हमें अब इसका जो ग्राफ बनाना वो इजी हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। तो साइन 0 0 हो जाएगा, एक्स 30 डिग्री होगा, तो वाई कितना हो जाएगा, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और 1/2 को सॉल्व करेंगे तो 0.5 आएगा। व्हेन एक्स इज π/3 और साइन 60 डिग्री, तो वाई कितना बनेगा, साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और √3 की वैल्यू होती है 1.732/2 करेंगे तो 0.87 आएगा। ये पॉइंट्स में इसलिए निकाल रहे हैं हम तो ताकि जो ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो हमें कोई पॉइंट्स लेने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। व्हेन एक्स इज 90 डिग्री होगा, साइन 90 कितना होता है, 1। अब 30 30 का डिफरेंस ले रहे हैं, अब ये सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया आपके पास, ठीक है। तो व्हेन एक्स इज 120 डिग्री और एक्स इज 2π/3, तो वाई कितना होगा, साइन 2π/3 इज इक्वल टू साइन π-π/3। और सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन π-π/3 क्या होता है, साइन π/3। और ये अभी हमने वैल्यू डिराइव की है 0.87। व्हेन एक्स इज 150 डिग्री और 5π/6, तो वाई कितना होगा, साइन 5π/6। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं π-π/6, तो ये आ जाएगा साइन π/6, और साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है, 0.5, ठीक है। और व्हेन एक्स इज 180 डिग्री होगा तो साइन 180 जीरो ही होता है, ठीक है। व्हेन एक्स इज 210 होगा, अब थर्ड क्वाड्रेंट आ गया आपका, ठीक है। व्हेन एक्स इज 210 होगा और 7π/6 होगा, तो वाई कितना बनेगा, साइन π/6, साइन 7π/6, और दिस कैन बी रिटन एज π+π/6। तो जो साइन π+θ कितना होता है, -sin θ, तो -sin π/6 -sin 30 की वैल्यू क्या होती है, -0.5, ठीक है। इसी तरह से व्हेन एक्स इज 240 डिग्री होगा आपके पास और 4π/3 होगा, तो वाई कितना बनेगा, साइन 4π/3 साइन π+π/3 इज इक्वल टू -sin π/3 इज इक्वल टू -0.87। और व्हेन एक्स इज 270 डिग्री होगा और 3π/2 होगा, तो वाई कितना बनेगा, 3 sin π/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 3π/2 इज इक्वल टू -1, तो वाई की वैल्यू आएगी -1। अब आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। व्हेन एक्स इज 300 डिग्री होगा और 5π/3 होगा, तो वाई कितना बनेगा, साइन 5π/3। 5π/3 कैन बी रिटन एज 2π-π/3, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो -sin π/3 आएगा, तो ये आएगा -0.87। व्हेन एक्स इज 330 डिग्री, 11π/6, साइन 330 इज साइन 11π/6 इज इक्वल टू साइन 2π-π/6 इज इक्वल टू साइन -sin π/6 इज इक्वल टू -0.5। लास्ट वाला एंगल है व्हेन एक्स इज 360 डिग्री, तो y इज इक्वल टू साइन 360 और साइन 2π, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपके पास, सॉरी 0, तो y आएगा हमारे पास 0, ठीक है। तो इस तरह से टेबल बना लेना जो कि मैंने पहले ही बनाया हुआ है, ठीक है। सारा टेबल बनाने के बाद हम ये आर्गन प्लेन पर पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, जो एक्स एक्सिस होगा आपका उस पर हमने एंगल्स लिखने हैं, और जो वाई एक्सिस है उस पर हमने वैल्यूज लिखनी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, व्हेन एक्स इज 0 वाई इज 0, ये देखो ऊपर, व्हेन एक्स इज 0 वाई इज 0। व्हेन एक्स इज 5/6 वाई इज कितना है, 0.5,
ठीक है, और वैन एक्सिस पाई बाई थ्री वाई इज 0.87, वैन एक्सिस 90 वाई इज 1, वैन एक्सिस 2 पाई बाई थ्री वाई इज 0.87, वैन एक्सिस 5 पाई बाई सिक्स वाई इज 0.5, ठीक है, वैन एक्सिस पाई तो वाई कितना आ गया, 0 आ गया। इस तरह से आपने इनको ज्वाइन कर देना, देखो, ठीक है। इसी तरह से आप ये वैल्यूज सारी करोगे तो हमारा 3 पाई बाई 2 पे माइनस 1 आएगा और ये जो लास्ट है हमारा 2 पाई पर वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। सॉरी 5 पाई बाई 6 मैंने किया ना, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये यहाँ पर जाएगा ग्राफ आपका ऐसे, यहाँ पर 0 आएगा ना ऐसे, पाई बाई 2 पर 1 हो गया, इस तरह से नीचे गिर जाएगा ग्राफ। इसी तरह से आप वैल्यू सारी पुट करेंगे तो ऐसे चलना, हमने यहाँ पर माइनस 1 और फिर ऐसे 2 पाई पर 0, तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। सिंपल पॉइंट्स प्लॉट करके आप इसको, ये माइनस 1 पॉइंट है हमारा, ठीक है, इस तरह से आप ग्राफ अपना प्लॉट कर सकते हैं। तो अब इसमें आप देखो, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है आपका, जैसे हमने देखा कि 0 से पाई बाय 2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें ग्राफ हमारा 0 से 1 में इंक्रीज़ कर रहा है। इसके बाद जो ग्राफ है सेकंड क्वाड्रेंट आ गया पाई से, पाई बाय 2 से पाई, तो इसमें ग्राफ जो है डिक्रीज़ कर रहा है 1 to 0, ठीक है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट आया हमारा 3 पाई बाय 2 तक, पाई से 3 पाई बाई 2 तक थर्ड क्वाड्रेंट था, इसमें भी हमने देखा जो ग्राफ है वो कर्व डिक्रीज़ कर रही है, तो ये जो वैल्यूज डिक्रीज़ कर रही है 0 से लेकर माइनस 1 तक, ठीक है। और जो लास्ट वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है, अब इसमें कर्व ऊपर जा रही है, इंक्रीज़ कर रही है, माइनस 1 से 0 में इंक्रीज़ कर रही है। तो ये था हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्राफ। इसी तरह से आपने करना है वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ। अब देखो कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 1 होता है, ये 1 आ गया, वैन एक्स इज 0 वाई इज 1, इसके बाद कॉस पाई बाई 6, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है 0.87, ये देखो, ये मान लो 30 है, यहाँ पर पाई बाई 6 है तो ये 0.87 आ गया, ये पाई बाई 3 है 0.5 आ गया, इस तरह से 90 पर 0 आ गया। इसी तरह से आगे हमने जैसे ऊपर टेबल बनाया, ऐसे आपने टेबल बनाना है इसका और इसको ज्वाइन करेंगे डॉट्स को, तो इसकी जो ग्राफ है इस तरह से बनेगा। ये आप बना सकते हो जैसे मैंने अभी टेबल बनाया था ऊपर साइन के लिए, सेम वैसे ही बनाना है आपने। तो इसका सिग्निफिकेंस देखो आप क्या है, ये पाई पर वैल्यू इसकी माइनस 1 है, ठीक है, और 2 पाई पर वैल्यू 1 है। तो जो कॉस का ग्राफ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 से 0 पर डिक्रीज कर रहा है, फिर 0 से फिर डिक्रीज कर रही है कर्व 0 से माइनस 1 में सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में फिर अब ऊपर जा रही है कर्व माइनस 1 से 0 पर, ये इंक्रीज़ कर रही है, और फिर 0 से 1 पर फिर से इंक्रीज़ कर रही है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये था इसका सिग्निफिकेंस। अब थर्ड आपके पास है टेन एक्स, टेन एक्स का ग्राफ जो है वो भी आपने टेबल से बनाना सारा, से वाई इज इक्वल टू टेन एक्स है, वैन एक्स इज 0 वाई इज 0, वैन एक्स इज पाई बाई 4, टेन पाई बाई 4 कितना होता है 1, ठीक है, वैन एक्स इज 30 डिग्री होता है, तो टेन 30 की वैल्यू, टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट 3, मतलब 1.732 यहाँ तक जाएगी। इस तरह से आप देख रहे हो जो इसका ग्राफ है इस तरह से जा रहा है, देखो, और 90 पर डिफाइंड नहीं है तो डॉटेड लाइन मैंने पहले लगाई हुई है, इस तरह से बनेगा। इसी तरह से फिर आपने नेक्स्ट वाला करना है, जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यूज लेंगे सेकेंड में, क्योंकि टेन नेगेटिव होता है तो इस तरह से ग्राफ आएगा इसका, ठीक है। और टेंजेंट पाई कितना होता है 0, क्योंकि साइन पाई अपॉन कॉस पाई, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। इसी तरह से फिर ये जो बनेगा एंगल 3 पाई बाई 2, यहाँ पर एंगल, फिर ये जो टेंजेंट डिफाइंड नहीं है तो ऐसे कर्व चली जाएगी, ठीक है। इसके बाद फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में 90 पर डिफाइंड नहीं है, इस तरह से 2 पाई पर की वैल्यू क्या है 0 है, तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो इसमें भी देखो क्या है हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन जो है 0 से इन्फिनिटी को इंक्रीज़ कर रहा है, ये कर्व देखो इंक्रीज़ कर रही है। इसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट था, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या था हमारा, ये कर्व फिर से इंक्रीज़ कर रही है, देखो ऊपर जा रही है, माइनस इन्फिनिटी से 0 को जा रही है, ठीक है, और इसके बाद मतलब 0 को जा रही है, इसके बाद फिर 0 से
फिर से इन्फिनिटी को जा रही है कर्व, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है ना, जब 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 कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा तो उसका ग्राफ अबव एक्स एक्सिस आएगा, और जब नेगेटिव होगा तो बिलो एक्स एक्सिस आएगा, ये आपने याद रखना है। और फोर्थ में देखो फिर कर्व, ये माइनस इन्फिनिटी से जीरो को क्या कर रही है, देखो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, क्योंकि टू पाई पर जीरो होता है, इस तरह से करना है। अब आ गया कॉर्टेक्स का ग्राफ, इसी तरह से आपने कॉर्टेक्स का ग्राफ बनाना है। तो कॉर्टेक्स का जो ग्राफ है वो आपका कैसे बनेगा, वैल्यूज लेके वैसे ही बनाना है आपने। तो इसमें भी आप देख रहे हो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ये फर्स्ट है, ठीक है, और जहाँ पर नेगेटिव है ये सेकंड है, फिर से ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख रहे हो जो कर्व है वो डिक्रीज़ कर रही है, देखो डिक्रीज़ कर रही है, डिक्रीजिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो। कॉट 90 कितना होता है, जीरो होता है हमारा, ठीक है। इसके बाद कॉट जोन है जीरो से, क्योंकि पाई पर कॉट डिफाइंड नहीं है, कॉट पाई क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो जीरो से इन्फिनिटी को हमारा जो ग्राफ है ये देखो, ये क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है ना, ये डिक्रीज कर रहा है। इसी तरह से फिर से ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से जीरो को, क्योंकि जो कॉट 90 क्या होता है, कॉट 270 क्या होता है, जीरो होता है। तो इन्फिनिटी से जीरो फिर से ये कर डिक्रीज कर रहा है, और फिर से डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर जीरो है, जीरो से माइनस इन्फिनिटी को ग्राफ फिर से देखो ये डिक्रीज कर रहा है। तो ये ग्राफ बनाओगे इससे आपको सारी पिक्चर एकदम से क्लियर हो जाती है। अब है सीकेंड एक्स का ग्राफ, क्योंकि आपको मैंने बताया था जो सीकेंड एक्स का मोड होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होता है, मतलब जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू वन होती है, ठीक है, और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो माइनस वन होती है। तो इसका ग्राफ जो वन से स्टार्ट होगा, ये देखो वन से हम इनक्रीज ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, और 90 पर सेकेंड 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो ये कर्व इंक्रीज कर रही है वन टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसके बाद ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका, सेकेंड एंड थर्ड में क्योंकि ये नेगेटिव होता है, सेकेंड नेगेटिव होता है, तो कर्व देखो इंक्रीज कर रही है, ऊपर जा रही है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन, यहाँ पर माइनस वन वैल्यू है, फिर माइनस वन से लेके माइनस इन्फिनिटी तक क्या हो रहा है, फिर डिक्रीज कर रही है, ठीक है, और इसके बाद फिर डिक्रीज कर रही है, ये देखो इन्फिनिटी से वन तक ये कर्व नीचे आ रही है, डिक्रीज कर रही है। तो इस तरह से ग्राफ से हमें सारी पिक्चर एकदम से क्लियर हो जाती है। ग्राफ आपने वैसे ही बनाना जो मैंने साइन का टेबल बनाया था, ठीक है, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो ना, 90 180 270 और 360 का एंगल लेके भी ग्राफ बना सकते हो। इसी तरह से कोसेकेंड एक्स है, कोसेकेंड एक्स का मैंने आपको बताया था, कोसेकेंड एक्स मोड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होता है, तो इसका भी सेम केस है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट टू में ये पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसका ग्राफ अबव एक्स एक्सिस है, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ में ये नेगेटिव होता है, तो इसका ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आपकी जो सी है वन होती है, ऐसे ऊपर पॉजिटिव वैल्यू, तो इसका ग्राफ भी देखो आप इन्फिनिटी से जीरो में डिक्रीज कर रहे, नीचे जा रही है कर्व, कर्व नीचे जाएगी तो डिक्रीज करेगा, ऊपर जाएगी तो कर्व इंक्रीज करेगा, वन से इन्फिनिटी को इंक्रीज कर रही है सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड में देखो आप माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक, ये माइनस वन है आपका पॉइंट, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक कर्व क्या कर रही है, ऊपर जा रही है इंक्रीज, और माइनस वन से माइनस इन्फिनिटी को ये डिक्रीज कर रही है। बस इसमें आपने इतना ही करना है, इतना ही समझते हैं, मतलब यदि आपको ग्राफ बनाना आ गया तो यू कैन डू एवरीथिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरा टेबल बना के ग्राफ बना सकते हैं, फिर आपने चेक कर सकते हैं कि ग्राफ सेम ऐसा ही बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। तो ये थी हमारी लास्ट डिस्कशन ट्रिग्नोमेट्री की, इसके बाद में आपको जो है वो हम एक्सरसाइज जो से जो बची एक्सरसाइज वो सारी डिस्कस करेंगे, और कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।